बांगर ने की रोहित के लिए भविष्यवाणी, कहा भुनानी होगी ये टेस्ट सीरीज, कामयाबी के लिए बरकरार रखनी होगी अपनी शैली। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। विश्व कप में धमाल मचाने के बाद भी जब रोहित को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों में बेंच पर बैठना पड़ा तो तमाम क्रिकेट पंडित, क्रिकेट फैंस हैरान थे, परेशान थे कि आखिर रोहित को टीम में जगह क्यों नहीं मिली। कुछ लोगों ने रोहित को टीम में ना चुनना कोहली के साथ विवाद के साथ जोड़कर देखा, तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रोहित कोच रवि शास्त्री की पहली पसंद नहीं थी। रोहित की जगह पर केएल राहुल को मौका मिला था, लेकिन वेस्टइंडीज दौरे पर राहुल का पूरी तरह से फेल होना और फैंस की आलोचनाओं के बाद रोहित को अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम में मौका दिया गया है। अब सवाल यही है कि रोहित के लिए करो या मरो वाली इस टेस्ट सीरीज में रोहित का बल्ला कितना दम दिखाता है। ये तो सच है कि रोहित में कमाल का टैलेंट है, वो क्रीज पर टिककर भी खेलना जानते हैं, साथ ही भारतीय धरती पर रोहित के आंकड़े भी बेमिसाल हैं। अब सबकी नज़र रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी है, तो वहीं टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज कोच रहे संजय बांगर ने भी रोहित के प्रदर्शन को लेकर अपनी राय रखी है। बांगर का मानना है कि अगर रोहित शर्मा टेस्ट में शीर्ष क्रम में खेलते हुए अपने पैर जमा लेते हैं तो भारतीय टीम वो लक्ष्य भी हासिल कर सकती है जो अभी तक उसकी पहुंच से बाहर दिख रहे थे। बांगर का कहना है कि इस समय टेस्ट में मध्य क्रम स्थिर है और वहां कोई जगह नहीं है। सलामी बल्लेबाजी उनके लिए नई चुनौती होगी, लेकिन उन्हें नई गेंद से तब खेलने का मौका मिलेगा जब गैप काफी सारे होंगे। उन्हें अपनी बल्लेबाजी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे वो अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा सकेंगे। इस दौरान अगर वो सफल होते हैं तो उनकी जो खेलने की शैली है वो काफ़ी मददगार होगी। इससे हो सकता है कि टीम वो लक्ष्य भी हासिल कर ले जो अभी तक उसकी पहुंच से दूर साबित हुए हैं, जैसे कि अतीत में केपटाउन या एडबेस्टन में हुआ था। वैसे कहीं ना कहीं बांगर की ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रोहित ने वनडे में अपनी बल्लेबाजी से रनों का अंबार लगाया है, लेकिन टेस्ट में ज़्यादा मौके ना मिलने के चलते रोहित अपनी जगह को पक्की नहीं कर सके हैं। रोहित ने अभी तक सिर्फ 27 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 39.6 की औसत से 1585 रन बनाए हैं। यही वो वजह है कि एक तरफ वनडे में जहां रोहित 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं, तो वहीं रोहित शर्मा ने टेस्ट में सिर्फ 3 शतक लगाए हैं। लेकिन संजय बांगर का मानना है कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें अपनी शैली में ही खेलना होगा, उन्हें अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। वैसे बांगर की बात सही है, क्योंकि रोहित का खेलने का स्टाइल बिल्कुल सहवाग की तरह है। जिस तरह से सहवाग तेज बल्लेबाजी करने में भरोसा रखते थे, ठीक वैसे ही रोहित भी तेज बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। इसलिए अगर रोहित दबाव में आकर धीमा खेलेंगे या फिर अपने खेल में किसी तरह का बदलाव करेंगे तो इसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से विशाखापट्टनम में शुरू होगा, तो ये देखना होगा कि इस टेस्ट सीरीज में रोहित का प्रदर्शन कैसा रहता है। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।